एक ऐसा देश जहां की महिलाएं अपनी मर्जी से देह व्यापार का काम कर सकती हैं, और ये देश बहुत सारा पैसा सिर्फ शराब बेचकर ही कमा लेता है। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वहां पर महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी स्कर्ट पहनते हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत सुंदर होती हैं और वो हमेशा घुटनों के ऊपर तक के कपड़े पहनना पसंद करती है, इसलिए यहाँ की महिलाएं किसी भी पुरुष से दोस्ती करके उसे खुश करने में लग जाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहाँ पर मर्दों की कमी है, क्योंकि यहाँ पर आबादी बढ़ ही नहीं रही। यहाँ की खूबसूरती यहाँ पर आने वाले को वापस लौटने पर रुला देती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर से देश स्कॉटलैंड के बारे में। दोस्तों, ये देश यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है और इसकी आबादी 55 लाख के आसपास है। इसकी खूबसूरती दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की महिलाएं बड़े खूबसूरत होती हैं और यहाँ की महिलाओं का घुटनों के ऊपर तक कपड़े पहनना यहाँ की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है, और यहाँ की ज्यादातर महिलाओं की आंखें नीले कलर की होती हैं। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा लाल कलर के बालों वाले लोग स्कॉटलैंड में ही मिलते हैं, जिसके कारण ये दुनिया के बाकी लोगों से काफी अलग लगते हैं। स्कॉटलैंड लगभग 790 द्वीपों को मिलाकर बनाया गया एक खूबसूरत देश है, जिसके कारण यहाँ के समुद्री तटों पर लोग अपना यादगार समय व्यतीत करते हैं। यूरोप का ये देश अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, नए पुराने किले, चर्च, गोल्फ कोर्स विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में लगभग 54% लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। साथ ही साथ 36% जनसंख्या ऐसे लोगों की है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। बाकी 10% जनसंख्या अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की है। यहाँ के वैश्यवृत्ति कानून इंग्लैंड से मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पर वैश्यवृत्ति कानूनी रूप से लीगल है। स्कॉटलैंड यूके का इंग्लैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग और ग्लासगो इसका सबसे बड़ा शहर है। राजधानी एडिनबर्ग में हर साल कला का बहुत बड़ा मेला लगता है। ये मेला लगभग 25 दिनों तक चलता है और इसे फिंच बोला जाता है। इस मेले को देखने के लिए हर साल यूरोप से सैलानी भारी संख्या में आते हैं। स्कॉटलैंड दोस्तों ऐसा शहर है जहाँ पर हर साल में 3000 से ज्यादा बार UFO को देखा जाता है, और जिसके बारे में जानने के लिए दुनिया के कई बड़े बड़े साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड जितना छोटा है लेकिन इसके काम उतने ही बड़े हैं। जैसे कि दुनिया की सबसे पहली कलर फोटो स्कॉटलैंड में ही ली गई थी, और आज आप अपने जीवन में टेलीविजन, फोन इत्यादि को बेहद उपयोग में लाते होंगे। पर क्या आप जानते हैं टेलीविजन फोन का आविष्कार स्कॉटलैंड में ही हुआ था। यहाँ के सबसे मशहूर खानों में भेड़ का दिल, गुर्दे और फेफड़ों से बना खाना है, जिसे यहाँ पर हगीज नाम से जाना जाता है। स्कॉटलैंड देश में दुनिया की सबसे छोटी उड़ान होती है, जिसे लोगन एयर के द्वारा चलाया जाता है, और ये सफर दो द्वीपों के बीच होता है, जिसमें सिर्फ 2.7 किलोमीटर की दूरी 47 सेकंड में पूरी कर ली जाती है। दोस्तों, स्कॉटलैंड पर कुदरत की हमेशा मेहरबानी रही है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक नजारे देखने के लिए दुनिया भर में कोई और जगह इससे बेहतर हो ही नहीं सकती। यहाँ की खूबसूरती को निहारने पर्यटक दूर दूर से आते हैं, जिसके कारण स्कॉटलैंड का टूरिज्म इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस देश में 1494 से ही स्कॉच विस्की को नेशनल ड्रिंक का दर्जा दिया गया है, और इस देश से दुनिया के हर कोने में स्कॉच विस्की का एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, स्कॉटलैंड देश का नेशनल एनिमल यूनिकॉर्न है। तो दोस्तों, आपको स्कॉटलैंड की ये बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे देना। साथ ही दोस्तों, इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।